हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रात भर एक्चुअली मेरी आवाज़ बड़ी अजीब सी हो रही है ना। मैं अभी सो के उठी हूँ और अभी कुछ 11 समथिंग हो रहे हैं, क्योंकि रात भर कसम से आप मानोगे नहीं, कल पूरे दिन और रात मतलब लाइट नहीं आई यार। और ये लाइट इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि लाइट बन नहीं पा रही है और सब जगह इतने एसीज़ वगैरह लगे हुए हैं। हमारे वृंदावन में तो इतने गेस्ट हाउस हैं, सभी के अंदर एसी लगे हुए हैं, तो बेचारे बिजली कहाँ से बने ना। बारिश है तो इस वजह से बहुत कट मार रही है यार। मतलब कल तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, कल जितना कट तो कभी नहीं मारा, मतलब पूरा दिन और पूरी रात लाइट नहीं आई। तो अभी मैं थोड़ा उठी थी और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि मम्मा सो रही हैं। रात में वैसे भी सोए थे तो, और आज एकादशी है, निर्जला एकादशी जो होती है, तो मम्मी परिक्रमा लगा के आई थी। 4 बजे निकल गई थी, तो मतलब वो और पहले उठी थी, नहा धो के 4 बजे वो परिक्रमा लगाने निकल गई थी। फिर आके उन्होंने काम करा सारा, और हमारे घर में तो डॉग्स होते हैं तो उनका भी काम था। और फिर मम्मा सो गई हैं, उन्होंने बोला कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि पूरी रात भी वैसे भी नींद नहीं आई थी। तो अभी थोड़ी सी लाइट आ रही है, एक्चुअली सुबह से नहीं आ रही थी, ये लाइट कुछ 11 बजे समथिंग आई है, तो मतलब अब कंटिन्यूसली आ रही है लाइट। मतलब सुबह से अभी लाइट आ रही है, और लाइट कुछ 10 बजे समथिंग आई थी, तो अभी मतलब 1 घंटे से लगातार आ रही है, तो अभी कट नहीं आ रही है। तो और मैंने यहाँ पे ये भी अपनी लस्सी पी ली है, ये ड्राई फ्रूट्स की, और मुझे ना बस इतनी सी मिली, इतनी पापा पी के सारी की सारी, और मेरे लिए बस इतनी सी छोड़ के गई, मेरी 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 मेरे बटके की भी पी गए। यहाँ पे हमारी बेटी सो रही है, इधर कुछ नीचे सो रहे हैं, और यहाँ पे छोटी अंजलि भी पूरी रात नहीं सोई थी मेरे साथ, बेचारी जगी रही। तो आज का दिन ऐसे कुछ नहीं है, पूरे दिन लाइट नहीं आ रही, गर्मी बहुत पड़ रही है। आज भी मैं स्टोर पे नहीं जा रही हूँ, तो ऐसी पड़ी हुई हूँ क्योंकि नींद कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे अभी भी नींद आ रही है एक्चुअली अभी, बट मुझे भूख भी बहुत लग रही है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। और देखते हैं कि मम्मा ने क्या बनाया है, क्या है खाने के लिए, फिर मैं देखती हूँ क्या खा सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो। पर्दा लगा देती हूँ, मैंने पर्दा खोल लिया था जिससे कि मैं देख जाऊँ मम्मा सो रही, तो पर्दा लगा देती हूँ। गाइस, मेरी नाव तो डूब गई, क्योंकि मम्मी ने बनाई है आलू शिमला की सब्जी जो कि मुझे पसंद है, और गेहूं की रोटी, बट मैं गेहूं की रोटी नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ ज्वार की रोटी, मम्मा ने वो बनाई नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया वो परकम लगा के थकी हुई थी, तो उन्होंने सिंपल एक ही आटे की रोटी बना दी, उन्होंने उसकी नहीं बनाई, वो भी खुद फास्ट हैं और पापा खा नहीं रहे, तो फिर उन्होंने गेहूँ की रोटी ही बना दी। तो अब मैं क्या करूँ, मैं गेहूँ की रोटी खाती नहीं हूँ, मैं ज्वार की रोटी खाती हूँ, वो बनी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं कसम से उतर, जब मैं सुबह उठी थी ना, भूख तो मुझे तभी से लग रही थी, एक्चुअली मैं उठी भूख में थी, वो एकदम सुबह के टाइम उठते हो आपका पेट एकदम भूख सी लगती ना, फीलिंग आती होगी वो भाई कुछ मिल जाए एकदम, ऐसी वाली फीलिंग के साथ उठी थी मैं। तो मैंने तब से कुछ नहीं लिया, वही जो मैंने आपको बताया, मैंने वो ड्राई फ्रूट्स की ड्रिंक ली है। तो अभी मैं सोच रही हूँ, अब कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है घर के अंदर, तो जब भी मैं इंस्टेंट बना लूँ, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ क्या, और चावल भी नहीं बना सकती थी क्योंकि आज एकादशी है, तो अब मैं बनाऊंगी ओट्स। तो मैं
ओट्स बना के खाऊंगी। तो अभी आप लोग अगर मुझे डिस्टर्ब ना करें तो मैं अपने ओट्स बना लूँ। और ओट्स एक्चुअली मैं डाइट पे जा रही हूँ ना, तो ओट्स डालूंगी मैं 2 चम्मच और उसके अंदर पानी डालूंगी इतना। तो एक्चुअली ओट्स का सूप एक तरीके से थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा और मेरे एक मैं अपने पेट को थोड़ा बहका दूंगी, जैसे बच्चों को बहकाया जाता है इस तरीके से कि खाना दे रही हूँ उसको, और मैं लिक्विड लूंगी तो इतनी कैलोरीज भी नहीं होंगी और थोड़ी सी प्रोटीन मिल जाएगी मुझे और मेरे अंदर एनर्जी भी आ जाएगी। तो इतना बहुत है, तो ये फिलहाल ये कर लेती हूँ। अभी फिलहाल मैं अपने लिए बना लेती हूँ, मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और मैंने वो चैलेंज लिया गार्लिक ईटिंग का, उससे मेरे को लगा कि फुंसी आ जाएंगी यहाँ पे, तो एक फुंसी और निकल आई है। चलो देखते हैं, अभी तो मैंने एक ही खाया है, लेट्स सी क्या होता है। तो ठीक है गाइस, मैं ज़रा अपना जूड़ा बांध के रेडी हो जाती हूँ किचन में काम करने के लिए। और गर्मी इतनी लग रही है ना मुझे किचन में, मैं वो क्या होता हूँ पूछो मत मुझे, मैं कभी किचन में नहीं आती पानी वगैरह लेने के अलावा। और आज मुझे हाँ ग्रीन टी भी मैं ही बनाती हूँ अपनी। ओके तो फिलहाल मैं अपने लिए बना लेती हूँ ओट्स। और आप लोगों को जाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ओगियंदा कॉकरोचेस देख रही थी और उसको देखते देखते मैं बनाऊंगी, तभी मेरा टाइम पास होगा, तभी इतनी गर्मी में मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पंखा भी नहीं है। ओके मम्मा पता नहीं कैसे कर लेती, मम्मा लोग उसको पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। गाइस जब भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ ना, वो इतना ख़राब होता है ना, मैं क्या बताऊँ, इससे ख़राब ओट्स मैंने कभी नहीं बनाए होंगे। आपको इनकी शक्ल देख के ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लग रही है बहुत भूख और मैं सब कुछ खा जाऊंगी। वैसे मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ, मैं इसकी शक्ल देख के ऐसा बोल रही हूँ, शायद खाने के बाद अच्छा लगे। बस इसको मैंने ये 2 चीज़ डाल के बनाया है, इसके अलावा मैंने इसके अंदर तीसरी ये चीज़ डाली है, चौथी ओट्स डाली है, और चौथा ओट्स डाला है, पाँचा पानी डाला है, इसके अलावा मैंने कोई और चीज़ भी डाली है। तो ये खाने में कैसा लग रहा है वो देखते हैं। ओके मुझे डन है, मैं इसे आराम से पी सकती हूँ, बेसिकली सूप है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से ये टेस्ट ओके है, और जब मैं कहूँ कि मेरा टेस्ट ओके है तो समझ लो आप लोग इसे नहीं खा पाओगे, मतलब इसे मैं ही खा सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं खा पाते तो आप कहाँ से खा पाओगे, बट मेरे लिए परफेक्ट। ओके गाइज तो मैं चलती हूँ, मेरा ओगी फिर से बीच में रह गया है। हाय गाइज मुझे ना लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख, फिर से मैं ना ओट्स खा के सो गई थी, फिर मैं अभी 4:30 बजे उठी और मैं भूख के मारे बहुत तेज उठी, और फिर मुझे उठती लगी भूख, फिर मैंने मम्मा से बोला मम्मा मुझे भूख लग रही है, मम्मा बोलने क्या खाएगी, फिर मैंने बोला आपके घर में तो कुछ है भी नहीं है, आप पोहे वगैरह जो कुछ बना के खिला दो, तो फिर मम्मा ने मुझे ये ओट्स के पोहे बना के खिलाए हैं। गाइस मैंने पहले कभी नहीं सुना कि ओट्स के पोहे होते हैं, तो मम्मा ने फिर मुझे ये ओट्स के पोहे बनाए मेरे लिए, और यहाँ पे मैंने इसको टेस्ट किया, ये बहुत ही यम्मी लग रही थी, कसम से इतने यम्मी लग रहे हैं ना, एकदम मज़ा आ गया, मैंने तो पहली बार देखा। अगर आपने भी खाए हैं ओट्स के पोहे तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं तो भाई पहली बार खा रही हूँ, मैंने तो इससे पहले कभी नहीं खाए ना कभी सुना ओट्स के पोहे के बारे में, बट मम्मा ने बोला कि ओट्स के पोहे बना देंगे वो मेरे लिए, तो आई एम सरप्राइज्ड, मैंने कहा ओट्स के पोहे ओके लेट्स सी कैसा बनेगा, तो बहुत ही यम्मी है, मतलब बहुत ही यम्मी, मेरे सूप से भी ज़्यादा यम्मी। गाइस ये मैंने बनाया है होम बेस्ड फेस वॉश, यस इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी, और चाहे तो मैं आपके साथ रील भी शेयर कर दूंगी।